हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलपीजी, नहीं ये मैं सिर्फ बैठने के लिए लेकर आया हूं, और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक छोटा सा फायर सिलेंडर जो कि ख़राब हो चुका है। आज हम आपको इसको काट के दिखाएंगे, इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये हम आपको दिखाएंगे। आपने एलपीजी कटते हुए देखा होगा, तो चलिए हम इसको काट के देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। आइए हमारे साथ दोस्तों। मैं पहले काटने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमें हाथों की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लेता हूँ। ये ग्लव्स थोड़े से टाइट है, कोई बात नहीं, टाइट है तो हम आराम से पहन लेंगे, हमारे कोई जल्दी नहीं है। हम ग्लव्स पहन रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो क्या, ग्लव्स पहन रहे हैं हम, है ना। और आँखों की सेफ्टी के लिए चश्मा भी बहुत ज़रूरी है, हमने चश्मा भी लगा लिया है। तो और अब इसको काट के देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है और इसके अंदर क्या होता है। अभी काटने की पर हमें सब अब इसको काटते हैं। इसका पाइप निकाल देते हैं, ये पाइप हमारे बीच में आ रहा है। दोस्तों पूरी तरह से कट चुका है और अब देखिए इसके अंदर क्या निकला है। इसके अंदर निकला है ड्राई केमिकल, ये पाउडर है एक तरह से। ओ अच्छा, ये यहां से खुलने वाला भी है, हमने खोल के नहीं देखा पहले। अच्छा, ये यहां से खुल सकता है, इसको खोलते हैं। देखिए ये अलग होता है और ये दबाने से इसके अंदर प्रेशर जाके ये आग को बाहर निकालता है, सॉरी केमिकल पाउडर को बाहर निकालता है। ये जो केमिकल पाउडर निकला है, क्या बात है, क्या बात है ये पाउडर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आरजे एक्सपेरिमेंट को करें सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अंदर निकला है ये ड्राई पाउडर जो कि आग बुझाने के काम आता है, और ये कुछ सामान निकला है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।